ओम शांति। आज की तारीख है 11/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्म बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत, श्री मत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की ये नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य ज्ञान के दो बिंदु। नंबर एक है, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय वचन को भूलना नहीं है। नंबर दो है, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।